ये लो शॉट। ये मेरे दो अनमोल रतन क्या बात है, क्या बात, दो अनमोल रतन है, क्या बात। नाम एक का नाम ईशा, एक का नाम नंदू। ये बहुत टाइम से हमेशा सपोर्ट करते हैं और मुंबई में रहते हैं, GCHT फैन क्लब चलाते हैं, एंड इन लोग के सपोर्ट के बिना तो यहाँ पे हाँ। एंड मनो, हाय रब्बा, मनो जो US में बैठती है, हमारी माँ है वो उनका सपोर्ट बहुत है। लक्ष्मी जी, बहुत सारे फैन जिनका सपोर्ट के बिना नहीं आ सकता है, इसी बहाने हाथ पकड़ा हुआ है। गुरमीत इधर खड़े रह जाओ। गुरमीत सर शॉट नहीं मिल रहा यार, बुड़वा है थोड़ा इधर से। ए अरे ये परफेक्ट है रे, लुक हियर, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आगे, बस बस थोड़ा उधर 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 अभी लुक हियर सर कैमरे में। हाँ सर, हाँ सर, बहुत सही बहुत सही। मेरे सदा सदा पीछे ना, सदा वहाँ तरह ये अच्छा सर। हाँ ये एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे मिला है। इतना अच्छा और इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे कभी नहीं मिला। मुझे एक्चुअली दो तीन दिन से ट्विटर पे जो मेरा फ़ैन क्लब है वो GCHT वो मुझे ट्वीट कर रहे थे कि सरप्राइज़ देना है, कुछ फैंस मिलना चाहते हैं मुंबई में। दो हम लोग पल्टन के प्रमोशन में बैक टू बैक लगे हुए हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं होता। तो कल मैंने ट्वीट किया कि हाँ मैं ज़रूर यहाँ पे मिलने वाला हूँ। और अभी मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ मिलेगा। और जैसे ही टर्न किया तो इतना बड़ा पोस्टर मुझे लगता नहीं कि किसी भी फैन ने किसी एक्टर के लिए किया है। और आउटस्टैंडिंग, थैंक गॉड मैंने ब्लैक काला चश्मा पहना है, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हूँ। आई फील वेरी लकी कि मुझे ऐसे चाहने वाले इतने फैंस मिले जो इतना मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा। मैं गाड़ी से बाहर निकला, उनसे मिला और टर्न करते इतनी बड़ी फ़ोटो, इतनी बड़ी पोस्टर मेरी डाल रखा उन्होंने बनाया है वहाँ पे। आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। फर्स्ट टाइम आपके बैंक में बहुत सालों से हैं और फीमेल फैंस फॉलो को काफ़ी ज़्यादा, तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है इस तरह से हैंडल करना, लेकिन आउट ऑफ द लिमिट को जाता है। वेल ये एक्चुअली फैंस सपोर्ट बहुत करते हैं, हर मोड़ पे मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे लिए मेरी फैमिली है, मैं उनको फ़ैन तो बोलते नहीं हूँ, मेरी
फैमिली में बोलता हूँ, और ऐसा कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना बड़ा, इतना इसके पीछे इतनी सोच, मेरे घर के पास करना, लोकेशन को ढूंढना, इतना सब कुछ छुपा के रखना, पता नहीं मुझे क्यों नहीं पता, मुझे थोड़ी भी भनक नहीं लगी, नॉर्मली मुझे भनक लग जाती है, थोड़ी भी भनक नहीं लगी। और ये मेरे लिए ज़िंदगी में एक ऐसा चीज़ है जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता, आउटस्टैंडिंग। तो आप भी सेलिब्रिटी के फैन जरूर होंगे, जब आप फिल्म देखते होंगे या म्यूजिक सुनते होंगे, तो कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रिटी को जो आपको बहुत इंस्पायर करता था, तभी आप आज इंडस्ट्री में होंगे, उसका नाम बताना चाहिए। वेल, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हमेशा बोलता आया हुआ हूँ, उनकी हर फिल्में देखता हूँ, और जब भी ज़िंदगी में ऐसा कभी मौका आता है कि आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, लगता है यार नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा शाहरुख सर के बंगलों के पास जाता हूँ, और वो जो ताकत, वो जो एनर्जी मुझे मिलती है, वो कमाल है, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेल, ट्रोल तो किया जाता है, मुझे लगता है कि आप नोन हो तभी आपको लोग गाली भी दे रहे हैं, मतलब आप अगर इफ़ यू आर नोबडी तो आपको कोई भाव भी नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि भाव मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन बोलो कुछ। आई थिंक एज एन एक्टर आपको हमेशा लगता है कि आपके बारे में अच्छा बुरा बोले, लेकिन ज़रूर कोई कुछ ना कुछ बोले। और किस तरीके के रिएक्शन मिल रहे हैं आपको? देखिए, ये सबसे बड़ी वॉर फिल्म है, मुझे लगता है कि जेपी दत्ता से, उनसे, सर से अच्छी कोई फिल्म बना नहीं सकता वॉर पे। उन्होंने बॉर्डर बनाई, उन्होंने एलओसी बनाई, और ये उनकी ये तीसरी फिल्म है वॉर पे, इंडिया चाइना वॉर पे, और ये इमोशन मुझे मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छा इमोशन कोई और दिखा सकता है जेपी सर से अच्छा। और फिल्म 7 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, और आप देख ही सकते हैं कि इतना प्यार मिल रहा है, सारे फैंस बॉम्बे में उन्होंने कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे से, और यू नो जहाँ पे मन्नो है जो मेरा फ़ैन क्लब यूएसए में चलाती हैं, वो रात भर काम करती हैं, ईशा है, नंदो है, इन लोगों ने, लक्ष्मी जी हैं, इन लोगों ने मिलके ये प्लान किया, एंड आई थिंक उनको मैं मुझे बुला लेना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ कम है, कम है गाइस। ये ईशा एंड ये नंदू, और दो लोग और भी जो हैं वो मिसिंग हैं, एक तो यूएसए में रहते हैं। आई थिंक इनके मुझे लगता है हर एक्टर को, मुझे, मेरे लिए तो मेरे भगवान मेरे फैंस हैं, क्योंकि इनके बदौलत मैं यहाँ तक आया हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे दिया, ये मतलब सोचना ही मतलब सोच भी नहीं सकता मैं। अच्छा हुआ मैंने बोला अभी एक काला चश्मा पहना है, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल में रो देता, अंदर से फीलिंग वो है, लेकिन कंट्रोल करके रखा है। ये ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा अपने अपने साथ रखना चाहूँगा। तो ईशा जी क्या ईशा जी सो इट वॉज जस्ट अ वेरी रैंडम थाट दैट वी हैड, एंड वी थाट ऑफ यू नो हम ऐसा कुछ अलग करना चाहते हैं, हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल मूवी फॉर हिम एज़ वेल। सो देन वी थाट ऑफ यू नो डूइंग अ पोस्टर लाइक दिस, और फिर ऑफकोर्स एग्जीक्यूशन में भी बहुत डिफिकल्ट रहा, तो पहले बहुत सोचा, फिर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट अल्टीमेटली वी वर एबल टू डू समथिंग, एंड आई एम ग्लैड दैट यू रियली लाइक इट। मतलब इतना बड़ा आपने पोस्टर बनाया, मैं घर पे भी कैसे लेके जाऊँ मुझे समझ नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे एक चौकीदार रखना पड़ेगा कि कोई पोस्टर उतारे ना। एंड वो इनफैक्ट मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ, हमें लगाना, ये मुझे अभी पता चला है कि ये लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है, और किसी भी फैन ने और तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी फैन से इतना बड़ा पोस्टर आज तक किसी एक्टर के लिए नहीं बनाया गया। लिम्का में वो रजिस्टर हो चुका है, और आने वाले टाइम पे जो भी है उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो करेंगे वो लोग, एंड ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, एंड बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूँ कि मेरे इतने अच्छे फैंस हैं। आप लोग के पाँव का है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ।